हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नयागांव कोटा। आज हम हिंदी वन के अंतर्गत पाठ आठ का अध्ययन करेंगे। पाठ आठ का नाम है काका हाथ रस्सी के पत्र। इस पाठ के लेखक है श्री प्रभुलाल गर्ग। प्रभु उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के रहने वाले थे। उनके जन्म स्थान के नाम पर ही इस पाठ का नाम रखा गया है काका हाथ रस्सी के पत्र। काका हाथ रस्सी के पत्र, यह पाठ हिंदी की विभिन्न प्रचलित विधाओं के अंतर्गत पत्र लेखन विधा की श्रेणी में आता है। हिंदी में अनेक विधाएं होती है, जैसे गद्य होता है, जैसे पद्य होता है, पत्र लेखन होता है, कहानी लेखन होता है। तो ये हमारा जो पाठ है हिंदी की एक विधा है पत्र लेखन, उसी के अंतर्गत लिखा गया है। हिंदी के प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथ रस्सी ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किए गए और अमरीका में हास्य व्यंग के आयोजित कार्यक्रमों में आशातीत अर्थात आशा से अधिक सफलता प्राप्त करने पर उन्होंने अपने पुत्र गिरिराज को ये पत्र लिखे थे। इस पाठ में दो पत्र हैं जो काका हाथ रस्सी ने अपने पुत्र गिरिराज को लिखे थे। इन पत्रों में उनकी हास्य प्रियता, मातृभूमि के प्रति प्रेम, दृढ़ता की भावना, ईमानदारी के प्रति प्रशंसा की भावना आदि भाव स्पष्ट झलकते हैं। जब काका हाथ रस्सी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो उन्होंने अपने पुत्र गिरिराज को दो पत्र लिखे। उन्हीं पत्रों का उल्लेख इस पाठ में किया गया है। गुरु नानक देव ने अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि अच्छे विचार महान कार्यों के पहले आते हैं। काका हाथ रस्सी का जो पहला पत्र है वो उन्होंने लिखा है नई दिल्ली के लोधी होटल के कमरा नंबर 224 से। यह पत्र लिखने का एक तरीका है कि जब भी हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने वाला अपना पता लिखता है ऊपर। लोधी होटल कमरा नंबर 224 नई दिल्ली, और उसकी उस दिन की उन्होंने दिनांक डाली है 16 मार्च 1985। प्रिय गिरिराज, अपने पुत्र को संबोधित करते हुए उन्हें लिखा है प्रिय गिरिराज पद्मश्री अलंकरण मिल गया। अलंकरण का अर्थ होता है आभूषण, अर्थात उन्हें जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह एक आभूषण के समान है। आगे उन्होंने लिखा है राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल भरा हुआ था। अब उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जब उन्हें सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से तब वहाँ कैसा माहौल था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल पूरा भरा हुआ था, अद्भुत साज सज्जा थी, महामहिम ने अवार्ड देकर हाथ मिलाया। महामहिम अर्थात राष्ट्रपति ने, जो बहुत बड़े पद पर हैं, उन राष्ट्रपति ने अवार्ड देकर हाथ मिलाया, फिर हमारी छाती पर मेडल लटकाया। फिल्म वालों और फोटोग्राफरों की भीड़ फटाफट क्लिक कर रही थी। वहाँ पर इस तरह का दृश्य बना हुआ था, बहुत अधिक भीड़ थी। राष्ट्रपति ने उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया, उनके गले में मेडल लटकाया और बहुत सारे फोटोग्राफर उनकी फ़ोटो वहाँ पर ले रहे थे। अशोक कक्ष में जलपान की व्यवस्था थी, जलपान का अर्थ है चाय नाश्ते की व्यवस्था थी। फिर मुगल गार्डन के ईस्ट लॉन में पद्मभूषण और पद्मश्री पाने वालों का ग्रुप फोटो खींचा गया। वहाँ पर दो तरह के पुरस्कार पाने वाले लोग थे, एक तो पद्मश्री और एक पुरस्कार का नाम है पद्मभूषण। दोनों तरह के लोगों की ग्रुप में शामिल में फ़ोटो खींची गई। टीवी वाले भी आए थे, उन्होंने जो कुछ पूछा हमने बता दिया। एक मित्र जो मस्खरे टाइप के थे अर्थात मजाकिया स्वभाव के थे, वह कहने लगे काका जी आपको तो पद्मभूषण मिलना चाहिए था। हमने कहा यार तुम क्या जानो, पद्मश्री मिला है तो पद्मभूषण भी मिल जाएगा। यहाँ अर्थात नई दिल्ली के प्रसिद्ध लोधी होटल से यह पत्र लिख रहा हूँ। 4 दिन के लिए सरकार ने यह होटल पद्मश्री अवार्ड वालों के लिए बुक करा दिया है। काका ने कहा है कि सरकार की तरफ से जिन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया उनके लिए 4 दिन के लिए यह होटल बुक कराया गया था। खूब खाओ पियो मौज उड़ाओ, 18 को हाथरस चले जाएंगे। काका ने अपने पुत्र गिरिराज को कहा है कि हमने यहाँ पर खूब खाया पिया और मौज मस्ती करी 4 दिनों तक, और हम 18 तारीख को हाथरस चले जाएंगे अर्थात हम अपनी गांव आ जाएंगे, काकी से मिलेंगे। अब उनको विश्वास हो जाएगा कि पद्मश्री प्रतिष्ठित अलंकरण है। काका हाथरसी, नीचे जिसने पत्र लिखा है उसका नाम है और ऊपर भी जो पत्र लिखता है उसका पता आता है। काका हाथ रस्सी ने अपने पुत्र गिरिराज को जो द्वितीय पत्र लिखा है वह लिखा है उन्होंने न्यूयॉर्क से, और तारीख है 8/11/84। उन्होंने लिखा है
कि पुत्र गिरिराज 2 महीने 22 दिन हो गए आज, अब अमेरिका से मुख मोड़ रहे हैं, अर्थात अब हम यहाँ से अपनी जन्मभूमि को आने वाले हैं, अपने प्रशंसकों को यहीं छोड़ रहे हैं। मैंने और डॉक्टर तरुण ने यहाँ 40 प्रोग्राम कर लिए हैं। उनके साथ डॉक्टर तरुण भी न्यूयॉर्क गए थे, उन्होंने वहाँ पर 40 कार्यक्रम किए। आशातीत सफलता मिली है, आशातीत मतलब आशा से अधिक उन लोगों को सफलता मिली। डॉलर ले जाने पर प्रतिबंध न होता तो ढेर लगा देते नोटों के, फिर भी हम दोनों को भेंट स्वरूप काफ़ी सामान मिले हैं। यहाँ कुछ कष्ट नहीं है, खूब मौज मजे से शाही महलों में रहे हैं। गरम गरम भारतीय भोजन हमको भारत की बेटियाँ बेटे खिलाते हैं। आज रात्रि को दिल्ली के लिए उड़ जाएंगे, उनका कहना था कि आज रात को अब वह दिल्ली के लिए उड़ान भर लेंगे एरोप्लेन से। 12,000 मील की यात्रा लगभग 18 घंटे की है। यहाँ सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, फिर भी हम दोनों समय घूमने जाते हैं। हमारे होस्ट कहते हैं काका बाहर नहीं निकलना, वहाँ पर जिन लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया था, अत्यधिक सर्दी होने के कारण वो उन्हें बाहर जाने से मना करते हैं, तो वो कहते हैं कि काका बाहर नहीं निकलना, टेम्परेचर यानी कि तापमान 0 से भी नीचे है, जम जाओगे। किंतु हम गरम कुर्ता पाजामा डालकर मफलर गले में कसकर हाथों में दस्ताने पैरों में मोजे फिट करके चले जाते हैं और आधा घंटे कुदन्ना मारकर अर्थात कूदते फांदते उछलकदमी करते हुए लौट आते हैं। तो सब ताज्जुब करते हैं, सभी लोगों को आश्चर्य होता है कि ये इतनी भयंकर सर्दी में बाहर कैसे घूमने जा रहे हैं। यहाँ अब तक 15 हवाई यात्राएं, 50 कार यात्राएं, 2 रेल यात्राएं हो चुकी है। बड़े बड़े करोड़पति सेठ जो यहाँ आते हैं इतनी सैर नहीं कर सके होंगे। यहाँ सफाई, चमक दमक और ईमानदारी स्तुत्य है। वहाँ के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर बहुत ही अधिक साफ सफाई है और लोग ईमानदार हैं। फिर भी अपनी जन्मभूमि भारत माता की याद आती है। अब जाकर काकी के लिए जो उपहार मिले हैं उन्हें प्रस्तुत करके उनकी मुस्कान का मजा लेंगे। तरुण जी तुमको राम राम कह रहे हैं, मीना चुनमुन मुनमुन को आशीर्वाद। और इस तरह उन्होंने अपना पत्र समाप्त किया। थैंक यू।